नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ और एस चंद की रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास जो है मैथ की क्लास है और इसमें आपका लाभ और हानि वाला चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है किसी भी चैप्टर की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरे SD यादव का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर हुआ पड़ा है, उसकी प्ले लिस्ट आप चेक कर लें तो आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। और रीजनिंग जो है सुबह 8 बजे रीजनिंग की वीडियो आती है और मैथ की शाम को 8 बजे वीडियो आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें 4 क्लास हुई हैं लाभ और हानि की, और उसमें आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्लास नंबर 5 पे आ जाएं आज, तो 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में क्या है, इसने बोला एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो इसका ट्रिक भी होता है रुपये वस्तु, ठीक है, और एक ये है इसका। देखो, 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे और फिर उसने क्या करा है, 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए हैं। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है कितने खरीदे हैं और कितने बेचे हैं। ये तो रेट है, 10 रुपये के 5 खरीद रहा है और 15 रुपये के 6 बेच रहा है, तो ये तो रेट है, दर जो होता रेट होता, पता नहीं कितने खरीदें और कितने बेचें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इनका एलसीएम ले लें, तो 5 × 6 = 30। ठीक, ये मान लें आप उसने 30 खरीदे हैं और 30 ही बेचे हैं, तो 10 रुपये के जो हैं 5 हैं, इससे आप इसे डिवाइड करें 5 × 6 = 30, तो 6 की इसमें गुणा कर दें तो 60 रुपये के उसने खरीदे हैं, और 6 × 5 = 30, तो 15 × 5 = 75 रुपये के उसने बेच दिए। ये खरीदना है और ये बेचना है, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 60 रुपये में खरीद के 15 रुपये में अगर 75 रुपये में अगर बेचेगा तो 15 का लाभ होगा कितने पे, 60 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 कितना होता है आपका, 25% होता है। कितना होता है ये आपका, 25%। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आंसर 25% हो जाएगा। पर इसका एक और फंडा होता है इस तरह के क्वेश्चन का, वो फंडा क्या होता है, रुपये वस्तु, ठीक है, पर एक जगह खरीदना होना चाहिए और एक जगह बेचना होना चाहिए। तो 10 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा है और 15 रुपये में 6 वस्तु बेच रहा है, फिर करते क्या है, अंदर वालों की गुणा, ठीक, तो 15 × 5 = 75 माइनस बाहर वालों की गुणा, तो 10 × 6 = 60, और बटे में भी ये बाहर वाला ही जाता है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा सो कर देते हैं इसमें यहाँ पे। अब इसे आप सोल्व कर लें यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, 15/60 × 100, ठीक है, तो 15 × 15 = 60, और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो एक ये भी फंडा होता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। 42 में देखते हैं क्या है, 42 इसमें बोला गया है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 2 की दर पर खरीद कर 3 रुपये के 5 की दर पर बेच दिए, तो लाभ परसेंट क्या है। तो उसी से कर लें आप रुपए वस्तु से, तो 1 रुपये के 2 की दर में खरीदे और 1 रुपये के 2 की दर में खरीद के 3 रुपये के 5 की दर में बेच दिए, तो रुपए रखते हैं फिर वस्तु, रुपए फिर वस्तु, तो वही है, अंदर वालों की गुणा करेंगे माइनस बाहर वालों की गुणा करेंगे, और बटे में भी ये बाहर वाले जाता है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा सो करते हैं, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, तो 1/5 बचेगा, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 20, तो यहाँ से तो एक ही बचना है, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसे आप देख सकते हैं। इससे आगे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएँ, 43। अब 43 में क्या है देखते हैं, इसमें बोला गया है रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीद कर 1 रुपये की 5 की दर से बेच दी, उसका हानि प्रतिशत क्या है। पहले खरीदने वाला रुपए लेते हैं, तो 1 रुपये की 2 खरीदी, ठीक है, और 1 रुपये की
पाँच की दर से बेच दी, 1 रुपये की 5 की दर से बेच दी। फिर वही अंदर अंदर वालों की गुणा, तो 2 एकम 2 माइनस बाहर वालों की गुणा, तो 1 पंजे 5 और बटे में भी बाहर वाला ही जाता है, परसेंटेज लाने के लिए गुणा शो करते हैं, ठीक है। तो 2 में से 5 गया तो माइनस के 3 आएगा यहाँ पे, और इस 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20, तो गुणा 20, तो 20 दिया 60% आ रहा है आपका, कितना आ रहा है ये 60%। तो माइनस चिन्ह जो है हानि को दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह किसे दर्शा रहा है, हानि को, तो उसे यहाँ पे 60% की हानि होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 60% हानि इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं, में देखते हैं क्या है। एक दुकानदार ने, अब देखो ये 44 जो क्वेश्चन है बुक में गलत लिखा हुआ है ना, तो इसका सही मैं बोल रहा हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन, तो आप लोग भी चेंज कर लेना अपनी बुक में, वरना क्वेश्चन लगा हुआ आपको मिलेगा। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये के खरीदे, इनमें से उसने 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन बेचे तथा शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो ये है इस तरह से पूरा क्वेश्चन। तो ये अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये प्रति दर्जन खरीदे, 1 दर्जन कितने के हैं, 32 रुपये के हैं, तो 2 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 64 रुपये के, तो ये इतने में उसने खरीदे, तो ये हो गया आपका CP, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है उनमें से 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन, 12 रुपये के 1 दर्जन, अब 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं, तो 12 रुपये के 12, तो 1 रुपये का एक, मतलब एक केला 1 रुपये का बेच रहा, तो 18 केले 18 रुपये के बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका विक्रय निकालेंगे, तो 18 तो ये हो गया प्लस, देख लेना 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, और दर्जन में 12 होते हैं, इसका मतलब एक केला 1 रुपये का बेच रहा, तो 18 केले 18 रुपये के बेचेगा, और फिर कर रहा शेष, तो टोटल केले जो थे 2 दर्जन थे, अब 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो गए, 24, कितने हो गए 24, अब 24 में से 18 तो बेच दिए, तो बचे कितने 6, अब ये जो 6 केले बेच रहा है ये किस रेट पर बेच रहा है, तथा शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, 4 रुपये प्रति दर्जन, अब दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 केले 4 रुपये के, तो 1 केला इतने का, तो अब शेष 6 बचे, तो 6 केले इतने के, तो इस तरह हो जाएगा ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो अब जो ये शेष केले हैं ये इसने 2 रुपये के बेचे हैं, तो ये कितने रुपये के हो गए टोटल आपके, 20 रुपये के हो चुके हैं, ठीक है। एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है, तो वो टोटली 32 के खरीदे हैं, यहाँ पे 32 रुपये प्रति दर्जन नहीं है, ठीक है, तो इसका CP जो है वो 32 ही है, CP कितना है 32 ही, हमने ये समझ लिया था कि 32 रुपये प्रति दर्जन, पर क्वेश्चन दोबारे से देखा तो वो समझ में आया, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये के ही खरीदे, ठीक है भाई, 1 दर्जन 16 के हो जाएंगे इसका मतलब, तो ये इसका SP हो गया है, ये CP हो गया है, अब 32 रुपये की चीज़ जो है वो कितने में बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है, तो उसे तो लॉस हो रहा है ना, 32 में खरीद के लाया था और 20 में वो इन्हें बेच रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 12 का, और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि बटे लागत, तो लागत कितने की आई है, 32 की, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा शो करते हैं, तो 4 3 12 और 4 8 32, ठीक है, 4 से काट लिया, अब फिर 4 से काट दो, 4 2 8 और 4 से कट जाएगा 25, 75/2 हो गया है, और 75/2 होता है 37.5, 37 सही 1/2% या 37.5% हानि इसका आंसर आएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करना है, इसमें बोला गया है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखो विक्रय होता है SP, अगर SP बराबर लॉस या SP बराबर प्रॉफिट हो, SP बराबर लॉस या SP बराबर प्रॉफिट हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे कर लेना चाहिए, अगर हुई है हानि तो हानि को जो है विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, और हुआ है लाभ तो लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं, तो ये शॉर्टकट होता है इस क्वेश्चन का, वैसे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
तो ये ध्यान रखना है आपका जरूर, अगर ये वाली कंडीशन है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट अगर आपसे वो यहाँ पे पूछता है तो उसे करते कैसे हैं, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो करना क्या होता है, जितने की हानि या लाभ हुआ उसे तो लिखते हैं ऊपर, जितने की हानि या लाभ हुआ उसे ऊपर लिखते हैं, और अगर है हानि तो इसे उसमें जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में, और है लाभ तो इसे विक्रय मूल्य में से घटा देंगे। तो कितने रुपए में बेच रहा, 36 में, और 4 की हानि हो रही है, तो 36 और 4 40 हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा आपका 1/10, और 1/10 कितने परसेंट होता है, 10%। ठीक है, परसेंटेज लाने को 100 से गुणा करते, जैसे ही आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं। में देखें क्या है, एक दुकानदार 1 रुपये के 6 की दर से टॉफियां खरीदता है, और वह 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% लाभ हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 रुपये की 6 की दर से टॉफी खरीदता है, तो कितने रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है, कितनी टॉफी, 6 टॉफी, ये याद रखना है, 6 टॉफी खरीदी गई हैं 1 रुपये में, तो खरीदना तो किराया होता है, तो 6 टॉफियों का किराय मूल्य 1 रुपये हो गया है, और वह 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% का लाभ हो, तो लाभ कितना चाहिए 20% का, तो आप 1 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दो, या इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो, आप परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, 20 × 120 और 20 × 5 = 100, तो ये कितना आ गया है, 6/5 रुपये में अगर वो बेचे कितनी टॉफी, जितनी स्टार्टिंग में खरीदी थी, तो स्टार्टिंग में 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी थी उसने, 6 टॉफी, तो अगर वो 6/5 रुपये में 6 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, 6/5 रुपये में अगर वो 6 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, पर वो हमसे ये पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% लाभ हो 1 रुपये में, तो भैया यहाँ से 1 निकाल दो, तो 6 से तो 6 कट गया है, और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 रुपये में अगर वो 5 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है इस क्वेश्चन का ये, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएं। में क्या है, एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, कुछ संतरे आप ये मान लो उसने 1 दर्जन खरीदे हैं, तो 1 दर्जन किस रेट में, 15 रुपये प्रति दर्जन, तो 15 रुपये के ही हो गए, और उतने ही संतरे तो 1 दर्जन और वो किस रेट में खरीद रहा है, 10 रुपये में, 10 रुपये प्रति दर्जन में खरीद रहा है, तो इनका रेट कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, है ना, तो टोटल ख़रीदारी कितने रुपए की हो चुकी है, टोटल ख़रीदारी आपकी 25 रुपए की हो चुकी है। ठीक है, अब कितने दर्जन खरीदे उसने, 1 दर्जन ये और 1 दर्जन ये, अब ये उन सभी संतरों को, या जो भी हैं इसमें संतरे हैं, क्या है, संतरे ही हैं, उन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन से बेच देता है। ठीक है, तो 1 दर्जन कितने के बेच रहा, 14 रुपये के, तो 2 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 28 रुपये में वो इन्हें बेच रहा है। ठीक है, 28 में बेच रहा है, तो 25 की चीज़ अगर 28 में आप बेचोगे तो 3 का लाभ होगा, पर वो लाभ कुछ और बता रहा है, वो कह रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 3 = 60, तो 1 = कितना, 20, अब 1 क्योंकि बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं, 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया वो देख लें, तो उसे कुल कितने संतरे खरीदे थे, ये पूछ रहा है उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे, तो हमने देखो 1 दर्जन ये माने थे और 1 दर्जन ये माने थे, तो 2 दर्जन खरीदे थे, तो 2 की वैल्यू निकाल दें, तो 1 = 20, तो 2 = 40 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 2 = 2 और 20 × 2 = 40, तो 40 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 47। इससे आगे आ जाएं, 48 में देखते हैं क्या है, 1 व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपये के 3 की दर से खरीदता है, इन सबको 3 रुपये के 5 की दर से बेचता है। अभी मैंने आपको रुपये वस्तु बताया था ना, तो वो फंडा इस क्वेश्चन में आके फेल हो जाएगा,
पर मैंने आपको वहाँ पे एक तरीका और बताया था, है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि इसमें अब रुपये वस्तु नहीं लगेगा। तो इसीलिए इकाई मेथड से तो क्वेश्चन कोई बचता ही नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ को आपको पहला दूसरा तरीका भी बताया था। अब देखो, एक रुपये में दो की दर से खरीद रहा है, एक रुपये में दो की दर से खरीद रहा है, और उतने ही दो रुपये में तीन की दर से खरीद रहा है, दो रुपये में तीन की दर से। अब ये नहीं है कि उसने यहाँ दो अंडे खरीदे और यहाँ तीन, ये तो रेट है, एक रुपये के दो ये वाले अंडे और दो रुपये के तीन ये वाले अंडे खरीदे हैं, पर दोनों समान मात्रा में खरीदे हैं। उसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ लें आप, उतने ही अंडे दो रुपये में तीन की दर से खरीदता है। तो आप क्या काम करें, हमें पता नहीं कितने अंडे खरीदे, इनका एलसीएम ले लें। तो ये मान लें छः अंडे इसने ये वाले खरीदे और छः अंडे ये वाले, तो टोटल 12 अंडे हो जाएंगे। अब ये कितने के होंगे, देखो इससे इसे करो डिवाइड, तीन और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो तीन रुपये के तो ये खरीदे, इससे इसे करो डिवाइड और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो तीन दूनी छः और दो दूनी चार रुपये के ये खरीदें, तो कितने रुपये के खरीदें, सात रुपये के। कितने अंडे खरीदें, छः ये और छः ये, तो 12 अंडे खरीद लिए उसने सात रुपये के, ठीक है। अब आगे उसने क्या काम करा है, फिर आगे जो है उसने, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 48 है, तीन रुपये के पाँच की दर से बेच रहा है, तीन रुपये के पाँच की दर से बेच रहा है। देखो सात रुपये के 12 खरीदे हैं, अब तीन रुपये के पाँच की दर से बेच रहा है। वैसे यहाँ से चाहो तो आप रुपये वस्तु लगा सकते हैं, पर अब आप कर ही लें ऐसा ही, तो यहाँ भी ये भी सीपी था और ये भी सीपी था, ठीक है। अब ये टोटल सीपी आ गया है, इनका एलसीएम लें तो 12 × 5 = 60, इससे से डिवाइड करें, 12 × 5 = 60, 5 और 5 × 7 = 35, तो 35 रुपये के इसने ख़रीदे, क्योंकि ये सीपी था और ये नीचे वाला एसपी है, इससे इसे डिवाइड करें 5 से, तो 5 से ये 12 बार होगा और 12 × 3 = 36, और 36 रुपये में वो बेच रहा है। तो 35 रुपये के अंडे 36 रुपये में बेचे जा रहे हैं, तो एक का लाभ हो रहा है 35 पे। और परसेंटेज लाने के लिए सूक्ष्म मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी को पता है, तो 5 × 7 = 35 और 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार, 7 × 2 = 14, तो बचे कितने 6, तो 2 सही 6/7% का उसे यहाँ पे लाभ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, 49 में देखते हैं क्या है। एक रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, 20% लाभ कमाने हेतु एक रुपये के कितने की दर से बेचा जाना चाहिए। बहुत परेशान करते हैं ये क्वेश्चन बच्चों को, देखो बिल्कुल आसान तरीका, एक रुपये के 20 की दर से बटन बेच रहा है, तो बेचना विक्रय होता है, तो एक रुपये में बेच रहा है कितने, 20, तो याद रखना है एक रुपये में 20 बेचे थे, ये बाद में काम आएगा 20। वैसे विक्रय मूल्य तो एक ही रुपये, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के, तो बेचने पर 4% की हानि हो रही है, तो हानि को 100 में से घटा के और लाभ को 100 में जोड़ के, तो 96% के बराबर हो जाएगा ये एक। अब आप एक काम करें, इसका क्रय मूल्य निकाल लें, या क्रय भी ना निकालें, उसे कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 20% का, तो आप डायरेक्ट उसका 120% निकाल दें, कितना निकाल दें, 120, तो ये तो 1% हो गया, और जितने परसेंट निकालना हो ये हो गया, क्योंकि क्रय निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ओनली क्रय पूछता तो निकालते 100 पे निकाल लेते, पर वो 20% लाभ मांग रहा है, तो डायरेक्ट आप 120% इसका निकाल लें। इसे सोल्व कर लें आप, तो 4 × 2 = 8, बचा 1 × 4 = 16, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 30 बार, अभी 6 से भी कट रहा है, और 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30, तो 5/4 रुपये में अगर वो 20 बटन बेचे, 20 बटन, क्योंकि शुरू में 20 ही खरीदे थे ना, बेचे थे ना, तो अब भी 20 का ही आया है ये, अगर 5/4 रुपये में 20 बटन बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, पर वो 1 रुपये में बूझ रहा है आपसे, तो 1 कैसे निकलेगा, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20 और 4 × 4 = 16, तो अगर 1 रुपये में वो 16 बटन बेचेगा तो 20% लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन बच्चों को, ध्यान से देख लें, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने का। 50वें क्वेश्चन में है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे हैं, तो कितने रुपये में खरीदे हैं, 3 रुपये में, कितने, 8, तो ये क्रय मूल्य है 8 नींबुओं का,
और इन पर उसे 60% लाभ चाहिए, तो आप इसका 160% निकाल दें। 160% हटाने के लिए बटे में आ जाएगा 0, बटे में 100 आता है, तो ये हो गया। अब आप इसे जो है 2 से काट लें, तो 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, तो ये कितना हो चुका है आपका, 8 × 3 = 24/5 रुपये में। अगर वो 8 नींबू बेचेगा तो उसे 60% का लाभ होगा, पर ये आपसे पूछना क्या चाह रहा, वह इन्हें किस दर से बेचे, तो दर के लिए तो एक पे निकालना होगा, तो 1 रुपये के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 5/24, तो 8 × 8 और 8 × 3 = 24, तो ये दर जो आएगी अगर वो 5 रुपये में 3 बेचे तो उसे 60% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 3 रुपये में 5 अगर बेचेगा, उल्टा हमने लिख दिया है क्योंकि इसमें जो है नीचे वाले को रुपये मान लेते हैं और ऊपर वाले को दर मान लेते हैं, तो 3 रुपये में 5, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये में 3 इसमें है भी नहीं, तो 3 रुपये में अगर वो 5 बेचेगा तो उसे 60% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाएं, 51 में देखते हैं क्या है। ₹40 के 45 आम बेचने पर, देखो ₹40 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य है ₹40, कितने आमों का, 45 आमों का है, पर विक्रय मूल्य को तो परसेंटेज के बराबर रखते हैं। ₹40 के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है, तो हानि को 100 में से घटाते हैं तो ये 80% के बराबर रखा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 पे क्या निकालते हैं, लागत निकालते हैं, तो ये 45 आमों का क्रय मूल्य आ गया। ये 45 आमों का क्या था, विक्रय मूल्य था 45 का, और ये 45 का क्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है, पर ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 51, ₹24 के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो 20% का लाभ पूछ रहा है, तो आपको जो है उसका क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट 120% निकाल लें, 120% की जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये 60 जो है विक्रय मूल्य आ गया है, पर कितने का, जितनों का शुरू में था, तो 45 आमों का था, ये 45 आम का आ गया है, पर वो 24 रुपये में बेच रहा है, अगर 60 रुपये में वो 45 आम बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा, पर वो 60 रुपये में नहीं बूझ रहा, वो 24 रुपयों में बूझ रहा है, तो पहले 1 रुपये में निकालें तो 60 से डिवाइड कर दें, ये 1 रुपये में आगे, अब गुणा उतने की कर दें जितने रुपये में बूझ रहा है 24 में। ठीक है, बस आप इसे कर ले कैलकुलेट, तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, और 4 × 6 = 6 तो 6 × 3 = 18 इसका आंसर आ जाएगा। 24 रुपये में अगर वो 18 आम बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाएं, 52 में देखते हैं क्या है। मनोज ने 2 रेडियो कुल ₹6400 में खरीदे, उसने 1 रेडियो को 25% लाभ पर, एक को, तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। देखो भाई, अगर विक्रय मूल्य समान हो, SP1 = SP2 हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसा केवल उसी क्वेश्चन में करते हैं जिसमें विक्रय मूल्य समान होते हैं, तो इसे 25% लाभ, तो लाभ को 100 में जोड़ के लिख देते हैं और हानि को 100 में से घटा के लिख देते हैं। एक पर 25% का लाभ हुआ है तो 125, और एक पर 25% की हानि हुई है तो घटा दें तो 75, अब 25 × 125 और 25 × 75, फिर बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में कर देते हैं। ठीक है, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में कर देते हैं। अब करना और क्या होगा, टोटल करें 5 और 3 = 8, और उसका टोटल कितना दिया है उसने आपको, ₹6400 दिया है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, तो 1 = 800 आ गया है। ठीक है, पर ये जो है आपका किराया आया है, किराया निकाल लें, ये किराया मूल्य है, तो पहली वाली का निकाल लो या दूसरी वाली का, अब विक्रय निकालना है हमें, तो पहली वाली का किराया निकालते हैं, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 × 3 = 2400 किराया मूल्य आ गया, पर वो विक्रय मूल्य बूझ रहा है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो चाहो तो आप यहाँ से कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, दोनों से आंसर समान ही आएगा। तो पहली वाली पे जो है से 25% का लाभ हो रहा था, तो ये पहली का किराया आ गया है, पहली का क्या आ गया है, ये किराया मूल्य आ गया है,
अब इसका विक्रय मूल्य निकाल दो, 25% लाभ पर इसे बेच दो, तो इसका डायरेक्ट 125% निकाल दो आप, या इसका 25% निकाल कर इसमें जोड़ देते, ठीक है। तो ये हो गया है आपका ऐसे, ठीक। अब 24 की गुणा कर लें इसमें, तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120 की जीरो हासिल 12 हो गया है आपका। अब 24 दूनी 48 होते हैं, तो 48 58, तो ये 60 की जीरो हासिल 6, और 24 एकम 24 और 6 कितना 30, तो 3000 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका भी 30 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 5 निकाल के 8 पंजे 40, 4000 का फिर 75% निकालना पड़ेगा, 4000 का जब आप 75% निकालोगे तब भी 3000 ही आना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं, 53 में देखते हैं क्या है। हरि को दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर, देखो दोनों 1980 की हैं, जब एक 1980 की तो दूसरी, दोनों का रेट कितना हो जाएगा जीरो, दो अट्ठे 16, दो निम 18 और एक 19, और दो एकम दो और एक 3, देखो दो जीरो, दो अट्ठे 16, दो निम 18 एक 19, दो एकम दो और एक 3, तो इतने रुपये में बेची हैं उसने दोनों साइकिलें, ठीक है। एक पर 10% हानि और दूसरी पर 10% लाभ होता है, तो जितने परसेंट का लाभ हो अगर उतने ही परसेंट की हानि हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 करते हैं, और इस केस में हमेशा हानि होती है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 1% की हानि आ गया ये। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो तरह से आंसर पूछता है, एक तो परसेंटेज में पूछता है, जितने परसेंट का लाभ अगर उतने परसेंट की हानि देगा, एक तो आंसर पूछता परसेंटेज में, तो उसमें तो क्या करते हैं उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते, तो 1% की हानि आ जाता। पर अगर रुपयों में बूझे तो रुपयों में कैसे करते हैं ये, देखो ये विक्रय मूल्य है ना, और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखना आपको बता रखा है, और कितनी परसेंटेज की हानि को 100 में से घटा के और लाभ को 100 में जोड़ के, तो 99% बराबर रख दें आप 39.60, फिर 1% निकालें, और फिर आपसे क्या बूझ रहा है ये, उनका क्रय मूल्य बूझ रहा है, तो क्रय तो 100 पे ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 43, तो 100 निकाल दें बस इसका, तो 9 चौक 36, चार बार देखें, देखो 4 निम 36, 3 4 निम 36, 3 39, तो 40 बार कट गया इससे ये, तो भाई ये आ गया आपका 4000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 54। में क्या है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखो वो 10% पर चाय बेचता है, सपोज करो उसके पास 100 ग्राम चाय है, कितने ग्राम चाय है 100 ग्राम, और एक ग्राम चाय एक रुपये की है, तो 100 ग्राम चाय 100 रुपये की होगी, और वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो वो इस चाय को कितने में बेच रहा है, इसका डायरेक्ट या तो 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, या इसका डायरेक्ट 110% निकाल दो, तो वो उस चाय को कितने में बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, 10% का लाभ लेता है तथा 20% कम बाट का प्रयोग करता है, कहने का मतलब ये है वो आपसे पैसे तो ले रहा है 100 ग्राम चाय के, और 100 ग्राम चाय के जब उसने पैसे लिए तो 10 रुपये तो उसने यहाँ कमा लिया आपसे, क्योंकि 100 की चीज़ थी, 10 रुपये यहाँ कमा लिए, पर वो आपको जो है ना 100 रुपये जो है 100 ग्राम नहीं दे रहा, 80 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, वो कितने परसेंट, 20%, तो 80%, तो 100 का 80% तो 80 ही होगा, तो वो केवल आपको 80 रुपये की वस्तु बेच रहा है, कितने रुपये में, 110 में, 80 रुपये की वस्तु 110 में बेच रहा है वो आपको, समझ में आई बात, क्योंकि उसने जो पैकेट पे लिखा हुआ उसने दिखा दिया 100 ग्राम है ये, है ना, और 100 ग्राम के आपसे उसने 110 रुपये ले लिए, पर वो 100 ग्राम भी नहीं दे रहा, 80 ग्राम दे रहा है, तो उसकी दुकान में से तो 80 ग्राम वस्तु ही उठी, और 1 ग्राम 1 रुपये की, तो 80 रुपये की चाय गई उसके यहाँ से, और उसने कितने में बेच दिया आपको, 110 रुपये में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 30 रुपये का लाभ हो रहा है 80 पे, ना कि 100 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3/8, ठीक है, और 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है, ये परसेंटेज मैंने आपको
पहले लिखवा दी थी इसमें, ठीक है। या परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर लेना, इसे जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो 37 सही 1/2 या 37.5% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए। फिफ्टी फाइव में देखते हैं क्या है। देखो 55 क्वेश्चन रिपीट है 21 का, इसी चैप्टर का 21 जो क्वेश्चन है वो ही 55 क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आप वहाँ देख लें पीछे की वीडियो में, वीडियो जो इसकी क्लास नंबर 2 है ना लाभानी की, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए 56 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 में क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेचा गया। दो वस्तु हैं, 4000 में बेचा गया, एक 4000 में और दूसरी भी 4000 में, तो कुल कितने रुपये में बेच दी उसने, 8000 में बेच दी हैं, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है 8000। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसे ना लाभ होता है तथा ना हानि। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कब होगा जो लाभ ना लाभ हो ना हानि हो? ऐसा तो जब हो सकता है जब आपका क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो, मतलब जितने में आप खरीद के लाए उतने में ही आप बेच दें, तो आपको ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। इस बात से तो सब एग्री होंगे ना, अगर जितने में आप कोई वस्तु खरीद के लाए हैं उतने में ही आप कोई वस्तु बेच दें तो तभी ऐसा हो सकता है, ना लाभ ना हानि। तो इसने कहा है ना उसे लाभ हो रहा ना हानि हो रही है, तो ये कह रहा है कि दूसरी वस्तु को वह कितने परसेंट, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, 4000 में बेचता है ना उसे लाभ ना हानि, यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। अब देखो एक वस्तु को ये 25% लाभ पर बेच रहा है, तो देखो हमें दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य तो पता है, अब हमें क्रय मूल्य और लाना, और दोनों का टोटल क्रय मूल्य 8000 होना चाहिए, तभी ऐसा होगा ना लाभ ना हानि होगा, ठीक है। तो इसमें करना हमें क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय पता है पर परसेंटेज एक की पता है, पहले को वो 25% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 125% बराबर 4000। तो यहाँ से क्या होगा, इस वाली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक निकालेंगे कैसे, 125 से भाग कर दें दोनों तरफ तो ये 125 हो गया। अब 100 निकाल दें तो 100 पे आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 25 पंजे 125 25 चौका 100, और 5 से ये 8, तो 800 आ गया, ठीक है। तो 8 चौक 3200 रुपये पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य है, और बेच कितने में रहा है, 4000 में, ठीक है। अच्छा अब ना लाभ ना हानि तो तब होगा ना जब जितना क्रय हो उतना ही विक्रय हो, तो टोटल विक्रय मूल्य 8000 है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है 8000 है। अब एक वस्तु का क्रय 3200 रुपये है, तो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 8000 में से इसे घटा दें, है ना, 8000 में से इसे आप घटा दो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 0 0, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया तो 4, तो दूसरी वस्तु 4800 रुपये की है और पहली वस्तु 3200 रुपये की है, जब भी जुड़कर उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 8000 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय भी 8000 है ना, अब जितना क्रय उतना ही विक्रय, ना लाभ ना हानि तब होगा ऐसा, ठीक है। तो ये कह रहा है दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए। अब दूसरी है कितने की, वो है 4800 रुपये की, और उसने दोनों को 4000 में बेचा है, तो इसे बेच कितने में रहा है, वो दूसरी वाली को भी वो 4000 में बेच रहा है, तो 4800 की वस्तु जब 4000 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है 800 रुपये का, और कितनों पे हो रहा है ये 4800 पे, तो बस यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लें आप, तो दोनों जीरो गया ये, और 8 × 8 और 8 × 48, वैसे 100 की आवश्यकता भी नहीं है, 1/6 हमने परसेंटेज आपको लिखवाई थी और पढ़ाई भी थी, जब प्रतिशत वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था 1/6 होता 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% के बराबर होता है। या किसी को याद नहीं है तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लें परसेंटेज लाने के लिए, और जब आप उसे सोल्व करेंगे तो यही आएगा 16 सही 2/3%, या याद कर लें 1/6 होता है 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। 57 में देखते क्या है, 57 में
किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से, 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ परसेंट दोगुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेना चाहिए, तो बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाता है। इसका पहला ऑप्शन तो है 51 रुपये, ठीक है, और इसका आंसर जो आएगा वो तीसरा ऑप्शन है 60 रुपये। देखो पहले ऑप्शन से पहले आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, किराए बुझ रहा है ना वो, तो किराए तो यही है और ये उनके विक्रय मूल्य है। अब 51 रुपये की वस्तु अगर आप 69 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लाभ आपको होगा? 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ 18 रुपये का लाभ हो रहा है। आप 69 की बजाय आप 78 में बेच रहे हैं, तो अब यहाँ देख लें यहाँ डिफरेंस कितने का, इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 5 गया तो 2, तो ये तो डबल नहीं हो रहा, 18 दूनी तो 36 होते हैं, तो ये आंसर नहीं है इसका। देखो ये आंसर बनेगा इसका अगर आप उसे 60 रुपये में बेचें, 69 की वस्तु 60 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है? 9 का, और यहाँ नहीं 60 की वस्तु 69 में बेच रहे हैं तो 9 का लाभ, और 7 की वस्तु 78 में बेच रहे हैं तो 18 का लाभ। देखो ये इसका डबल भी है, पर वो लाभ डबल होने के लिए नहीं कह रहा, परसेंटेज डबल होने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से अगर लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या होता, लाभ बटे लागत गुणा 100, ठीक है, और यहाँ से लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ बटे लागत गुणा 100, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ कॉमन है तो वैसे करने की आवश्यकता तो है नहीं, पर चलो कर लो, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 3 तिया 9, तो 3 पंजे 15% का लाभ हो रहा है, और 20 तिया 60 20 पंजे 100 और 3 6 18 6 पंजे 30, तो देखो 30% का लाभ हो रहा नहीं हो रहा है दुगना। तो इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 60 रुपये इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएं। अब 58 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपये में बेचा। एक घोड़ा पहला भी 11,336 में, दूसरा भी 11,336 में, इसमें उसे एक घोड़े पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि, तो पूरे सौदे में उसे मिलेगा। अब देखो ऑप्शन जो है परसेंटेज में है, तो ये इसका आंसर रुपयों में नहीं बूझ रहा, परसेंटेज में बूझ रहा है। अगर जितने परसेंट का लाभ हो अगर उतने ही परसेंट की हानि हो और आंसर परसेंटेज में बूझा गया हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, और इस केस में हमेशा हानि होती है, तो 1% हानि इसका आंसर आ जाएगा, 1% हानि इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएं। 59 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। देखो एक वस्तु खरीदी, माना 100 रुपये में खरीदी और 5% लाभ पर, 100 का 5% 5, तो 105 में बेच दिया, ठीक है भाई। फिर आगे क्या हुआ है, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, 100 का 5% 5 कम कर दो, 95 रुपये में अगर वो इसे खरीदता तथा 1 रुपये कम में, तो रुपयों को छोड़ दो अभी, तो उसे 10% लाभ होता, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं, अगर लास्ट में 0 ना हो तो एक स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका 10% इतना हो जाएगा, तो आप जोड़ लें तो ये कितने में बेची जाएगी, पॉइंट तो ऐसे ही आना ही आना है, तो 9 और 5 14 हासिल 1 9 और 1 10, तो 104 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है अब, और पहले कितने में बेच रहा है, 105 रुपये में, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है इतने का, या इसे आप 1/2 रुपये भी लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से अंतर कितने का, कम या अधिक जितने रुपये कहा था उसे अब आप ले लें यहाँ से, तो कितने रुपये अधिक को बोल रहा था वो, 1 रुपये कम में बेचे, 1 को कह रहा था वो, तो इसे आप 1/2 लिख सकते हैं, है ना, बराबर 1, तो 1/2 आ गया। अब आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो हमने 100 माना था, तो 100 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसमें आपको, 60 तक आज क्वेश्चन कराने हैं इसमें आपको, और सही शाम को 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है और सही सुबह 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, ठीक है, आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएं। देखो 60 में क्या है, 60वां क्वेश्चन भी अच्छा है।
एक गवाला 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। एक लीटर दूध 13 रुपये 50 पैसे का खरीदता है कोई गवाला, ठीक है। इसमें पानी मिलाता है, पानी मिला लिया इसने दूध में। अब दूध वाले को ही तो पता है पानी है, पर जो ग्राहक हैं उन्हें नहीं पता है ना इसमें पानी है, तो वो तो पानी भी दूध के रेट में खरीदेंगे, पानी भी दूध के रेट में खरीदेंगे, क्योंकि पानी दूध में मिक्सर हो मिल चुका है, उन्हें नहीं पता ये पानी है इसमें, तो वो तो पानी के भी पैसे जो हैं दूध के ही देंगे, जितना दूध का रेट देते हैं उतना ही पानी का रेट वो देंगे, ठीक है। इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% लाभ होता है, एक लीटर में वह कितना पानी मिलाता है, ठीक है। तो देखो, एक लीटर दूध है 13 रुपये 50 पैसे का और वो कितना लाभ ले रहा है, 20%। तो आप इसका 20% निकाल लें, तो 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में सो आएगा, तो 5 से आप इसे डिवाइड करें, तो 5 × 2 = 10, बचे कितने, 3 हो गए 35, तो 5 × 7 = 35, तो 2 रुपये 70 पैसे का लाभ कमा रहा है वो एक लीटर पर, है ना। तो ये आपसे बूझना क्या चाह रहा है, इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% लाभ होता, तो एक लीटर में वह कितना पानी मिलाता है, एक लीटर में कितना पानी मिलाता है। देखो, इतने रुपए का लाभ कमा रहा है वो एक लीटर दूध में, ठीक है, इतने रुपए का लाभ वो कमा रहा है एक लीटर दूध में। अब एक लीटर दूध है कितने रुपए का, 13 रुपये 50 पैसे का एक लीटर दूध है, ठीक है, एक लीटर, तो 1 रुपये का कितना दूध हो जाएगा, 1 रुपये का 1/13.50 लीटर दूध। अच्छा, कितने रुपये का लाभ हो रहा है, इतने का, तो इतने रुपये का कितना, अब ये जो जितने रुपये ये है ना, इतने रुपये का ही पानी मिलाया उसने, तो बस ये निकाल दो इतने रुपये का कितना दूध है, ठीक। तो 2 रुपये 70 पैसे की आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 1/13.5 × 2 रुपये 70 पैसे, तो 0 से 0 27 से 5 बार कट जाएगा, तो 1/5 लीटर आ गया, पर ऑप्शन मिलीलीटर में है, तो लीटर के मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा आपको करना होगा, ठीक है। बस इसे सोल्व कर दें आप, 5 × 10, तो 200 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस इतने ही आज मुझे कराने थे, तो 60 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें, ठीक है। मिलते हैं आपको शाम 8 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ।